हेलो एवरीवन, हेलो सेवन ग्रेडर्स। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड और आप सारे कोविड प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी रेगुलरली कर रहे होंगे बिकॉज द एग्ज़ाम सीजन है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और हमें सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करना है। वी हैव टू एस ऑल आवर स्कूल एग्जाम्स। अब स्कूल एग्जाम्स एस कैसे करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? देन ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज द सोल्यूशन, जहाँ पे आपको आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। विद इन अ वीक आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप अनअकैडमी के पैकेजेस लेते हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देन ऑफ कोर्स आपको विद इन अ वीक अपने सारे रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको मैथ्स पढ़ना हो, आपको इंग्लिश पढ़ना हो, या फिर आपकी साइंस वीक हो, या एसएसटी वीक हो, सोशल साइंस वीक हो, कंप्यूटर वीक हो, या फिर वीक नहीं भी हो बट आपको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस करना है, या फिर आपको आगे जाके कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है या बैंक के एग्जाम्स देने हैं, सीए की प्रिपरेशन करनी है, देन ऑफ कोर्स एंड अगेन अनअकैडमी इज द सोल्यूशन। अनअकैडमी इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ये सारे कोर्स आराम से पढ़ सकते हैं। अब इन कोर्सेज को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स आपको पढ़ना हो, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ एंड देन आपको जो भी पैकेज लेना हो, 6 मंथ्स का पैकेज, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स का कोई भी पैकेज आपको ये कोर्स पढ़ने के लिए चाहिए हो, तो वो पैकेज आपको सेलेक्ट करना है कि कितने टाइम तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे फॉर दैट पैकेज एंड जो भी पैकेज आप लेना चाहते हैं, अगर आपको उस पर 10% डिस्काउंट चाहिए, सीधा 10% डिस्काउंट, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAI10। जब आप मेरा एक कोड यूज करोगे, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, व्हेन यू यूज माय कोड यू विल स्ट्रेट अवे गेट फ्लैट 10% ऑफ। हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको जो कोर्स पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस भी स्टैंडर्ड में आप हो, क्लास 7 की एसएसटी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, या कोई हायर क्लासेस की पढ़ाई करनी है, देन अगेन यू कैन यूज माई कोड। मेरा कोड हर कोर्स पे, हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है। आपको जो पैकेज अपने कोर्स के अकॉर्डिंग लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे इजीली मिल जाएगी। अब मैं आपको कह रही हूँ सब्सक्रिप्शन ले लो, अब ऐसा तो है नहीं मैं बोलूंगी और आप ले लोगे, और लेना भी नहीं चाहिए बिकॉज आपकी पढ़ाई की बात है। जब तक आप एकदम श्योर ना हो, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चूज नहीं करना चाहिए। बट एक चीज की जो मैं गारंटी देती हूँ वो ये है, पहली गारंटी तो मैंने दी थी, अगर आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पे एनरोल करोगे तो आपको आपके मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिख जाएंगे। दूसरी गारंटी ये है कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा बिकॉज यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर फील्ड, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया एंड दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। सो एट अनअकैडमी यू गेट टू लर्न द बेस्ट एंड यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, तो मजे ही मजे है। पढ़ाई एकदम फन मैनर में कराई जाती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मजा आता है पढ़ने में, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा, ये मेरी तीसरी गारंटी है। अब अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऐसे और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि आप अपने घर से पढ़ सकते हो, यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। सो यूजुअली अगर आप कोई ट्यूशंस लेते हो तो आपको ट्यूशन टीचर के घर जाना पड़ता है, दिन भर के थके हुए होते हो, यू नो यू हैव अ वेरी टायरिंग डे, पहले पूरा स्कूल अटेंड करो, स्कूल का होमवर्क करो, देन ट्यूशन टीचर के जाओ, ट्यूशन का होमवर्क करो। वी अंडरस्टैंड यू गाइज हैव वेरी टायरिंग डे। तो इसके लिए अनअकैडमी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। तो आपको जब कंफर्टेबल हो, आपको जब टाइम मिले, आप उस टाइम पे अनअकैडमी की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अनअकैडमी के लेक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू विद द एंटायर स्टडी मटेरियल, तो आपको कहीं भी इंटरनेट पे मटेरियल सर्च करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अनअकैडमी सारा मटेरियल आपको कंपाइल करके देगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे लाइव टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, डेली एमसीक्यूज होते हैं, क्विज होते हैं, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो सिर्फ बढ़ती जाए, प्लस आपको भी पता चल जाए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, आपको ढंग से समझ आ रहा है या नहीं। इसके अलावा यू कैन रेगुलरली क्लियर योर ऑल एकेडमिक डाउट्स विद द एजुकेटर्स। आप एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। एंड आपको वीकली रिपोर्ट्स भी अनअकैडमी देगा कि थ्रू आउट द वीक हाउ डिड यू परफॉर्म, वेयर यू कैन इम्प्रूव, कहाँ आप और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ आप और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। सो अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स भी देगी, प्लस अनअकैडमी पे पेरेंट्स और एजुकेटर्स का कनेक्ट भी होगा। सो हमारे पेरेंट्स को कितने टाइप की टेंशन होती है हमारे फ्यूचर को लेके, मैं अपने बच्चे को किस स्ट्रीम में आगे बढ़ाऊं, या मैम और सर ये इसकी रिजल्ट्स को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, क्या मैं अपने बच्चे से ऐसे करवाऊं कि इसका रिजल्ट इम्प्रूव हो जाए, या ही और शी जस्ट एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसे बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज हमारे पेरेंट्स के भी होते हैं। सो अनअकैडमी सिर्फ बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं करता, अनअकैडमी के एजुकेटर्स पेरेंट्स के डाउट भी क्लियर करते हैं। सो रेगुलरली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ टीचर यानी कि एजुकेटर एंड पेरेंट कनेक्ट, वेयर पेरेंट्स कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर या जो भी उनको क्वेरी है, एंड द एजुकेटर्स कामली एंड पोलाइटली आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ द पेरेंट्स। तो आज के टाइम पे इतनी मेहनत कौन करता है यार, अनअकैडमी कर रहा है, वो भी आपके लिए, ताकि आपके रिजल्ट्स जो है एकदम इम्प्रूव हो जाए एंड यू गेट द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपको अपनी प्रोग्रेस सामने दिखे। एंड अनअकैडमी का यही एम रहता है, यही मोटिव रहता है दैट यू गेट टू एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स। तो उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, और उस प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो यू गेट टू यूज माई कोड, यू कैन यूज माई कोड दैट इज PJAI10, क्योंकि ये कोड यूज करने से आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलता है। सो आई होप आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। यू जस्ट गो राइट नाउ, डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्नर्स ऐप, टेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो ये तो बातें हुई अनअकैडमी के बेनिफिट्स की, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में करती हूँ। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी। आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई डिड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ मूविंग अहेड टू आवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ सिविक्स, and the name of the chapter is understanding media. ये बहुत कॉमन टर्म है मीडिया, तो मीडिया का क्या मतलब होता है, हाउ डज मीडिया फंक्शन, मीडिया के क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। मास मीडिया क्या होता है, मीडिया टर्म क्या होता है, बट उससे पहले अगर हमें अपनी नॉलेज जो है पूरी अच्छे से एकदम कंप्लीट चाहिए तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हमारी, जैसा कि मैं सारे वीडियोस में करती हूँ। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो सब्जेक्ट है हमारा सिविक्स, इसका क्या मतलब है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगी अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लेंगे, एग्जाम्स भी दे देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर ब्रिलियंट ब्रेन्स, बहुत सिंसियर हैं आप लोग और अनअकैडमी के वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपके चैप्टर पढ़ के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बट हमारी नॉलेज तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, बट वो चैप्टर जिस सब्जेक्ट में उसका भी मीनिंग भी तो हमें पता होना चाहिए ना, ताकि हमारी नॉलेज एकदम कंप्लीट रहे, बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन एनीवन कैन पोजेस। तो हमें अपनी नॉलेज भी एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट रखनी है, एंड इसलिए हम पहले समझेंगे कि सिविक्स क्या होता है। तो सिविक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि एज सिटीजन्स हमारे क्या अधिकार होते हैं, हमारे क्या राइट्स होते हैं, एंड व्हाट ऑल ड्यूटीज डू वी हैव टू परफॉर्म, एंड व्हाट ऑल ड्यूटीज वी शुड परफॉर्म एज सिटीजन्स, हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है, towards our society, towards our country, towards our state. As citizens, what are our rights, क्या अधिकार हैं और what all are our duties towards the nation, state or society. ये अगर हम किसी चैप्टर में पढ़ते हैं then that is civics. तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो सब्जेक्ट का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, सिविक्स वर्ड का क्या मीनिंग है. So next time when you open your civics book या जब आप अपना civics का एग्जाम कोई देने जाए या ऑनलाइन एग्जाम्स दे तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए that it will be something related to the rights and duties of citizens. Now moving ahead to our chapter that is understanding media. तो understanding media यानी मीडिया को समझने के लिए पहले जो हमें समझना होगा वो है मीडिया. ये टर्म क्या है, हम टर्म्स ही पढ़ते आ रहे हैं तो पहले हम देखेंगे ये मीडिया टर्म क्या है. अब आप ये बात सोचो, जस्ट थिंक दैट आप पूरे दिन में कितनी बार कम्युनिकेट करते हो. कभी आप अपनी मम्मी से कम्युनिकेट करते हो, कभी आप फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास आपकी कोई फ्रेंड रहती है और आप उसके घर नहीं जा पा रहे देन यू मैसेज देम, यू टेक्स्ट देम, राइट. और अगर आपकी कोई कज़न दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में रहती है और अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है देन यू आइदर सेंड देम एन ईमेल या इंटरनेट के थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. या फिर आपको कभी ये जानना हो कि पूरी कंट्री में क्या हो रहा है या वर्ल्ड में क्या हो रहा है तो या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर आप टीवी पे जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ चैनल्स पे रात को न्यूज़ देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ. सो इन्फॉर्मेशन कुछ जानना या फिर इन्फॉर्मेशन किसी को बताना, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑन अ डेली बेसिस हम बहुत सारे मीडियम से कम्युनिकेट करते हैं. कभी हम टीवी के थ्रू कोई हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, कभी हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को जानते हैं या इंटरनेट के थ्रू हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर कोई हमसे पूछे कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो आप रेडियो बताओगे, टीवी बताओगे, न्यूज़पेपर बताओगे, इंटरनेट बताओगे. तो कितने सारे टर्म्स हो गए हैं, राइट. हम बोलते बोलते ही थक जाएंगे बट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये खत्म नहीं होंगे. तो इन सारे अलग अलग कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स है इनके लिए एक टर्म यूज होता है. जब हम वो टर्म यूज करते हैं उसका मतलब है सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो अलग अलग हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं. अब ये मैजिकल टर्म क्या है जिसमें सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं मीडिया. सो मीडिया इज बेसिकली अ कलेक्टिव टर्म. बहुत सारी चीजों के लिए एक टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं हम कलेक्टिव टर्म. Media is basically a collective term for different forms of communications like TV, radio, newspapers, internet. तो अगर मैं easy language में आपको समझाने की कोशिश करूं कि what is media, then it is basically the various ways through which we communicate in society. जिस medium से या जिस तरह से हम communicate करते हैं उसे हम media कहते हैं. So I hope media आपको clear होगा. अब आपने चीज नोटिस करी होगी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पूरी कंट्री में या आपकी सिटी या स्टेट में या पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको एक बार में ही पता चल जाता है. या जब आप कभी रेडियो सुनते हो तब भी कंट्री में क्या हो रहा है या लोकल न्यूज क्या हो रही है, आपके शहर में क्या चीजें चल रही है, वो सब चीजें भी आपको पता चल जाती है. अब आप जैसे और कितने सारे लोग होंगे जिनके यहाँ सेम न्यूज़पेपर आ रहा है, जो सेम रेडियो चैनल सुन रहे हैं या फिर सेम टीवी चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं. तो ये जो मीडियम्स हैं, ये जो मीडिया है जिससे इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पे पहुंच रही है उसे हम कहते हैं मास मीडिया. एज द टर्म सजेस्ट, मास का मतलब होता है मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप, उसे हम कहते हैं मास. तो ऐसा मीडिया जो एक ही टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि कंट्री में क्या चल रहा है या वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया. सो मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल और मासेस across country and world, then that is known as mass media. अब मास मीडिया को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, अब लेकिन उन दो तरीके से डिवाइड करने से पहले एक क्वेश्चन आता है कि मास मीडिया के एग्जांपल्स क्या हैं, ऐसे कौन सी मीडिया है जो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक एग्जांपल तो हो गया न्यूज़पेपर, क्योंकि आपकी पूरी कॉलोनिया जितने भी घर है आपके आसपास हर घर में न्यूज़पेपर आता होगा और सेम हेडलाइंस, ऑलमोस्ट सेम हेडलाइंस आती होगी, तो हर घर में पूरी कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सारी न्यूज उनको सुबह सुबह ही पता चल जाती है, यानी कि कितने सारे लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो न्यूज़पेपर इज वन एग्जांपल ऑफ मास मीडिया। वैसे ही मैगजीन्स हो गई, टीवी इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया, क्योंकि टीवी पे हम कोई भी न्यूज चैनल चलाते हैं तो पूरे इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में कितने सारे लोग वही न्यूज़ चैनल देखते होंगे एक ही टाइम पे और वही सेम न्यूज़ देखते होंगे। सो टीवी के थ्रू न्यूज़ चैनल्स हो गए या रियलिटी शोज हो गए, इनके टीवी के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे पहुंच सकती है। सेम इज द केस विद रेडियो, सेम इज द केस विद इंटरनेट। अब मैंने कहा था मास मीडिया को हम टू वेज में डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी जो भी मीडिया पेपर पे प्रिंट होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उसको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया। इजी राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी कम्युनिकेशन में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जैसे टीवी, टेलीविजन, न्यूज चैनल्स के लिए हमें टीवी होना बहुत जरूरी है, सेट टॉप बॉक्स होना बहुत जरूरी है, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। रेडियो के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन जान रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रेडियो ऑल्सो कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो भी मीडिया पेपर पे प्रिंट होता है दैट इज प्रिंट मीडिया, एंड जो भी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होता है जैसे टीवी हो गया या रेडियो हो गया तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है और दो टाइप के मास मीडिया क्या क्या होते हैं। अब इनको ही हम और अच्छे से समझेंगे तीन एस्पेक्ट के थ्रू। सो वी विल अंडरस्टैंड मीडिया इन मोर डेप्थ थ्रू थ्री एस्पेक्ट्स, एंड व्हाट आर दीज एस्पेक्ट्स, सो दैट इज मेंशन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मीडिया थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वी विल अंडरस्टैंड मीडिया थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी, and finally we'll understand media through the perspective of democracy. Starting with media and technology, यानी कि हम मीडिया को समझेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट होगा जो आपने भी नोटिस किया होगा कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, यानी कि कल एक बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं दूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, दैट इज पहले कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन्स थे, स्मार्टफोन्स में भी अलग अलग फीचर्स थे, बट एवरी ईयर सारी जो मोबाइल कंपनियां हैं नए नए टाइप के स्मार्टफोन्स निकाल रही है विद द बेस्ट फीचर्स, एंड कितने कितने कैमराज होते हैं, कितने मेगापिक्सल्स दे कैन कैप्चर, लाइट एंड कॉलिंग टेक्निक्स, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ फोन्स आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस एट अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत फ्रीक्वेंटली टेक्नोलॉजी चेंज होती है और नई नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें नए नए फीचर्स होते हैं। तो ये जो मास मीडिया है जिसके बारे में हमने बात की, जिससे हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है और बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे कम्युनिकेट होती है, यानी कि मास मीडिया। अब मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज करता है दैट ऑल्सो कीप्स चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मास मीडिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है दैट दीज मीडियम्स, ये जो टीवी चैनल्स हैं या फिर रेडियो जॉकीज, रेडियो कंपनीज हैं, रेडियो हाउसेस हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर मीडिया अप टू डेट एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है ये लोग अपनी मीडिया की टेक्नोलॉजी चेंज करते रहे सो दैट दे कैन रीच मोर पीपल। आजकल अगर मैं बात करूँ फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो पहले के टाइम पे जितने भी टीवी शोज होते थे या इवन न्यूज चैनल्स या मूवीज भी, तो ब्लैक एंड वाइट में होती थी, बट एज टाइम प्रोग्रेस, तो आज हम किस टाइप की मूवीज देख रहे हैं, जो न्यूज चैनल देखते हैं हमें साफ दिखता है कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। द न्यूज रिपोर्टर सिट्स इन फ्रंट एंड बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, ग्राफिकली डिजाइन चीजें चल रही होती हैं, ऐसा लगता है एज इफ मे बी द पर्सन इज इन दैट सिटी, बट एक्चुअली वो होते नहीं है, इट्स जस्ट ग्राफिक्स। तो हमें आज ये पता चलता है कि मीडिया हाउसेस, जितने भी मास मीडिया के चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं, कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अभी बार बार हर साल ये टेक्नोलॉजी क्यों चेंज करते हैं, सो दैट दे कैन रीच मोर पीपल। नई नई टेक्नोलॉजी है, उसके नए नए अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, और जितने बेनिफिट्स आते हैं उतना पीपल विल लाइक देयर चैनल। सो दे द मेन एम इज कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बार बार चेंज करते रहो, सो दैट यू कैन रीच मोर एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे। और ये कैसे होता है, थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस। तो जैसा मैंने बताया, न्यूज चैनल्स आगे होते हैं और उनके पीछे इतनी सारी इमेजेस चल रही होती है, इतने सारे ग्राफिक्स आज हम देखने को मिलते हैं हमें। सो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ही थ्रू आज हमें बैठे बैठे, सपोज आप इंडिया में बैठे हो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, इन सारी कंट्रीज में क्या चल रहा है, आप घर बैठे बैठे जान सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो अगेन पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इसके कारण हमें कैसी फीलिंग आती है, दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो, वी आर मेंबर ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि हमें अप टू डेट हमें सारी जानकारियां होती है कि कौन सी ग्लोबल कंपनी क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला क्या कर रही है, या एलॉन मस्क अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ क्या क्या कर रहे हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, या फिर चाइना क्या कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें घर बैठे बैठे मिल जाती है। सो वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है अगर आज हमें पता चल रहा है, दैट इज सोनली एंड सोनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, ये जो मास मीडिया है विच इज रीचिंग अस थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इट ऑल्सो चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव एंड इट ऑल्सो चेंजेस आवर थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ। यानी कि यू नो, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो किसी ओपिनियन होते हैं, किसी गवर्नमेंट पे हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं, किसी कंट्री के बारे में हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं। तो ये जो ओपिनियंस है कैसे फॉर्म हो रहे हैं, द काइंड ऑफ मास मीडिया, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी लिसन टू, वी वॉच, क्या टाइप ऑफ न्यूज हम देख रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। So mass media basically changes the way we think about our lives. हमारी क्या लाइफ है, हम उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। हम यूजुअली टेलीविजन पे ये सारी चीजें देखते हैं, और टेलीविजन हम तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ केबल्स एंड सैटेलाइट्स। बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जिसके कारण आज हम घर बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। तो टुडे वी कैन यू नो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर हाउस, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। हम घर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सब जान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लाइक इंटरनेट हो गया, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ये मास मीडिया चैनल्स यूज़ करते हैं। मूविंग अहेड टू मीडिया एंड मनी। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है मीडिया को टू रीच मोर पीपल, टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट टू द पॉपुलेशन। कैसे हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, ये तो आई गेस आपको क्लियर होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल टेक्नोलॉजी प्ले करती है मास मीडिया में। बट मनी क्या रोल प्ले करता है, पैसे कितने इंपॉर्टेंट है मास मीडिया के लिए। तो हम ये अब जानेंगे. So different technologies that mass media uses are very expensive. ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज ये जो मास मीडिया यूज करती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत कॉस्टली होती है. एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझूं तो मैंने अभी आपको न्यूज़ चैनल का ही न्यूज़ रिपोर्टर का कैसे उनके बैकग्राउंड में इतनी इमेजेस चलती है वो एग्जांपल दिया था. बट उसी का थोड़ा सा और डाइवर्स और ब्रॉड एग्जाम्पल दूँ तो जो न्यूज़ स्टूडियो होता है यानी कि जहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स बैठते हैं और न्यूज़ रीड करते हैं, तो हमें तो सिर्फ वो न्यूज़ रिपोर्टर दिखता है टीवी पे, बट एक्चुअली स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें होती है. वहाँ पे लाइट्स होती है, कैमरास होते हैं जो हमें नहीं दिखते, प्लस वहाँ पे सैटेलाइट्स ट्रांसमिशन के अलग अलग डिवाइसेस होती हैं. तो ये नई नई टेक्नोलॉजी होते हैं, एकदम हाई प्रोफाइल HD कैमरास होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स होती हैं ताकि रिपोर्टर्स एकदम क्लियरली दिखें, डार्क बैकग्राउंड ना दिखे. तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत इनके जो कॉस्ट होते हैं ये बहुत हाई कॉस्ट होते हैं. इसके अलावा जो न्यूज़ स्टूडियो में जो ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि जो लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि लाइटिशियन, कैमरामैन, टेक्नीशियन, ये सारे लोगों को भी पेमेंट देना पड़ता है मीडिया चैनल्स को, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, राइट. तो कितना कॉस्टली हो सकता है हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. सो टेक्नोलॉजीज विच दिस मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग. ये अभी हमने पढ़ा कि बहुत फ्रीक्वेंटली हर साल चेंज होती रहती है और हर मास मीडिया को नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है वो भी हमने पढ़ा. सो दैट दे कैन रीच मोर पीपल, देयर इज बेटर साउंड क्वालिटी, देयर आर बेटर इमेजेस. इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको बाय करने की बहुत ज़रूरत होती है. एंड ऑफकोर्स जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतने ज़्यादा मनी उनको पे करना पड़ेगा. सो मास मीडिया नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे लगते हैं मास मीडिया में. इस कारण से क्या होता है, बिकॉज मास मीडिया में इतने सारे पैसे लगते हैं, जैसे हमने देखा न्यूज़ स्टूडियो में लाइट्स के पैसे, कैमरा के पैसे, प्लस इनको जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका पेमेंट, जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर उनका पेमेंट, इतने सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं. तो मास मीडिया कैसे हैंडल करती है इतना सारा पेमेंट, कैसे इतने सारे पैसे लोगों को देती है, क्योंकि हमने पढ़ा मास मीडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. लॉट ऑफ मनी चाहिए होता है. तो क्या होता है, ये जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं यानी कि न्यूज़ चैनल्स हैं या जितने भी न्यूज़पेपर्स कंपनीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ बिगर बिजनेस फर्म्स. जो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टेलीविजन चैनल्स होते हैं जिस पे आप क्रिकेट देखते हो या कोई रियलिटी शो देखते हो या फिर कोई न्यूज़ देखते हो, ये जितने भी टेलीविजन के चैनल्स हैं या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, दे मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस कंपनीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल Network18 Media is a kind of a news channel group and that is actually owned by Reliance companies, Reliance Industries. So ऐसे ही जितने भी news channels होते हैं, they are largely owned by very big business houses. बहुत जो industries हैं उनके मालिक इन्हें own करते हैं. That's how these channels are able to operate. क्योंकि इनके पास खुद के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि इतना इन्वेस्ट करें. सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, दे बाय दीज चैनल्स एंड देन दे ऑपरेट. सो आई होप आपको क्लियर होगा हाउ मास मीडिया नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड हाउ दे आर एबल टू ऑपरेट. अब ये तो बात हो गई कि जितने भी चैनल्स होते हैं दे आर ओन्ड बाय बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स, इंडस्ट्रीज. बट हाउ डज दिस मास मीडिया एक्चुअली अर्न मनी? तो ये होता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू. आपने देखा होगा जब कभी आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हो तो बीच में जब ओवर खत्म हो जाता है तो कितने सारे एड्स आने लग गए हैं. या फिर अगर आप कोई रियलिटी शो देखते हो तो जब बीच में ब्रेक आते हैं तो कितने सारे 5-10 मिनट तक एड्स ही आ रहे होते हैं. या न्यूज़ चैनल पे भी 5-10 मिनट तक तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स ही आ रहे होते हैं. तो ये जो मास मीडिया चैनल्स है, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, दे अर्न मनी थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट्स. अब एडवर्टीजमेंट्स किसी कार का हो सकता है, चॉकलेट्स के हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स के एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं. तो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं इसके थ्रू दिस मास मीडिया चैनल्स बेसिकली अर्न मनी. तो आई होप आपको ये क्लियर होगा हाउ मास मीडिया रिक्वायर सो मच मनी, क्यों उन्हें इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है एंड हाउ दे आर एबल टू अर्न दैट मनी, ताकि उनके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब उसे उन्हें बाय कर सके। सो आई होप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमने कवर किया, मीडिया एंड मनी भी हमने कवर कर लिया एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट दैट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो एक डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। डेमोक्रेसी इज टोटली डिफरेंट, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा और पहले के वीडियोस में भी मैंने बहुत जगह बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बाय चांस इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट, सो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस ऑन 7th ग्रेड सिविक्स ओनली, वेयर आई हैव टॉक्ड इन डेप्थ अबाउट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इस वीडियो में मैं टाइम के कारण नहीं बता पाऊंगी, तो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो ये मीडिया होती है, यानी कि जो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये जितने भी मास मीडिया होते हैं ये हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है, जो आसपास जो इवेंट्स चल रहे हैं या कोई इश्यूज क्रिएट हो गए, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में डिस्कशंस होता है। रोज रात को जब आप टीवी चैनल देखते होगे तो वहाँ पे कितने सारे डिस्कशंस हो रहे होते हैं, डिबेट्स हो रही होती है, तो इस वे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, हमें न्यूज़ प्रोवाइड होती है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में क्या चल रहा है या पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो वी थ्रू दिस मीडिया ओनली वी गेट ऑल दीज काइंड ऑफ न्यूज कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री या व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल रोज रात को न्यूज़ चैनल्स पे हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाने की सोच रहे हैं, या क्या वो लोग काम कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज ला रहे हैं, या क्या नए लॉज ला रहे हैं, या इंटरनेशनली व्हाट ऑल इज इंडिया डूइंग, या कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस हैं। तो जैसे भी whatever way the government is working, the government is functioning, we get to know with the help of media. टीवी चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इन सब से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, सही काम भी कर रही है या नहीं, कैसे काम कर रही है। सो ऑल दैट वी गेट टू लर्न थ्रू दिस मीडिया। ये बहुत ईजी सी बात है, क्लियर बात है, क्योंकि मीडिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है, ये जो हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, तो इस इंफॉर्मेशन से या तो हम गवर्नमेंट से खुश हो सकते हैं कि अरे वाह गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर हम हमें कंप्लेंट्स हो सकती है कि गवर्नमेंट को ये तो करना ही नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो ऐसे ही हम एक्शंस ले सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो अगर हमें कुछ चीज पसंद नहीं आई, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके स्कूल के बाहर की जो रोड है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं, या आपके घर के बाहर जो सड़क है वहाँ पे बहुत सारा कचरा है और बहुत साल हो गए कोई कचरा उठा ही नहीं रहा है, कोई सड़क बनवा ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, आप बिल्कुल खुश नहीं हो, जैसे गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, जो मिनिस्टर है उस रिलेटेड इशू का आप उनको लेटर लिख सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो कि गवर्नमेंट तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। बट हमें कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है या गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है, क्योंकि जैसी न्यूज़पेपर्स में आती है या जो न्यूज़ हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं या कहीं और सुनते हैं, किसी अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से सुनते हैं, तो वी गेट टू नो हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेक एक्शंस। हम मिनिस्टर्स को लेटर्स लिख सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड दैट्स हाउ इवन वी शो द गवर्नमेंट की वेदर वी आर हैप्पी विद द डिसीजन और वी आर नॉट रियली हैप्पी विद द डिसीजन। इसी कारण से, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो मीडिया के थ्रू मिलती है, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या कोई ग्लोबल इशू हो गया जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों पे जो ओपिनियंस फॉर्म्ड होते हैं हमारी मीडिया के थ्रू होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या जो इन्फॉर्मेशन हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, राइट। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन मीडिया चैनल्स की दैट दे प्रोवाइड अस विद अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। अब ये बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? So balanced report is the one that discusses all points of view of a particular story and then they leave it upon the readers to make up their minds. यानी कि क्या, अगर कोई भी इशू है तो वो हर जो उस इशू में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबका पर्सपेक्टिव बताएंगे, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे and then they leave it upon us, यानी कि हम रीडर्स, ताकि हम ये देखें कि इनमें से कौन गलत है या कौन सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, सपोज गवर्नमेंट है और एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है और दोनों में लड़ाई हो गई। गवर्नमेंट ने कहा था कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेट कर सकते हो, एंड जब इंडस्ट्री सेट होने को आई तो गवर्नमेंट ने कहा हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब ये तो हो गई एक स्टोरी। अब मैं कहूँ कि इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें पहले तो कहा था कि यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, हम सारे बेनिफिट्स फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे, बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो आप किसको सही किसको गलत समझोगे? ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि पहले केस में हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इंडस्ट्री की गलती है। दूसरी स्टोरी में इंडस्ट्री कह रही है कि गवर्नमेंट की गलती है, हमें पहले कहा गया था, बट नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग दे आर नॉट अग्रीइंग टू व्हाट दे सेड अर्लियर। तो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। पहले वाली स्टोरी में मैंने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बताया जहां पे लग रहा है गवर्नमेंट सही है, दूसरे केस में मैंने इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव बता दिया जहां से आपको लग रहा है इंडस्ट्री सही है, इंडस्ट्री की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। तो ये एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। एक बैलेंस रिपोर्ट वो होगी जहां पे मैं गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और मैं इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रही हूँ कि यू नो इजी नहीं होता हमारे लिए ऐसी इंडस्ट्रीज हर जगह खोलना, पहले गवर्नमेंट ने कहा था इसलिए हम लोग आए। तो मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बता दिए एंड देन यू डिसाइड कि गवर्नमेंट सही है या इंडस्ट्री सही है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस रिपोर्ट, जहाँ पे जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी इशू में उनका हम यू नो पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, उनकी स्टोरी, दोनों की स्टोरी बताएं एंड देन आप डिसाइड करो कि कौन सही है कौन गलत है। बट अब बात आती है कि जो बैलेंस रिपोर्ट है ये डिपेंड होती है कि मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है, कितना इंडिपेंडेंट होके ये जो मीडिया फॉर्म्स है ये काम कर रही है। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि किसी को मीडिया को ये नहीं बताना चाहिए कि आप ये इशू कवर कीजिए या ये न्यूज़ कवर कीजिए या ये न्यूज़ मत कवर कीजिए। सो इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस द न्यूज़ कवरेज। जो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि यू नो यही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ, ये इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी नेसेसरी, डू नॉट टेल द पब्लिक दिस इंफॉर्मेशन। So no one should tell the media what they can do or what they should not do with a news story. तब हम कहते हैं मीडिया जो है इंडिपेंडेंट है, जब वो एकदम फ्रीडम के साथ काम कर सकती है, एकदम स्वतंत्र होके काम कर सकती है। इसी कारण से ये जो मीडिया है बैलेंस रिपोर्टिंग है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। क्यों? बिकॉज जब मीडिया एकदम इंडिपेंडेंट होगी तब वो अपने एकदम अच्छे से काम कर सकती है, जब वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे हमें सारे पर्सपेक्टिव्स पढ़ने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे को एक सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जैसा मैंने बताया था आपको कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम अपने ओपिनियंस उस तरह से फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दूंगी तो आपका ओपिनियन गवर्नमेंट की साइड होगा, मैं सिर्फ इंडस्ट्रीज का ओपिनियन आपको दूंगी तो आपका जो ओपिनियन है वो इंडस्ट्रीज की तरफ इंक्लाइंड होगा। लेकिन अगर मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगी तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सही है कौन गलत। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये जो बैलेंस मीडिया है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हमारे जो ओपिनियंस हैं ये इंफॉर्मेशन के थ्रू बेस होते हैं, ताकि हम जो एक्शन लेते हैं वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसी के बेसिस पे होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बैलेंस रिपोर्ट मिले एंड उसके लिए इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या आज के टाइम पे मीडिया इंडिपेंडेंट है? क्या बैलेंस मीडिया एग्जिस्ट करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं एज सिटीजन वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके बेसिस पे होती है। So whatever actions we take as citizens, it is basically on the basis of the kind of information that we are being provided by the media houses. जैसे हमें information मिल रही होगी वैसा हमारा opinion बनेगा। तो इसलिए इस कारण से जो information हमारे तक आ रही है ये बहुत reliable होनी चाहिए, बिल्कुल भी biased नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस पर हम भरोसा कर सकें। ये ऐसी information होनी चाहिए, biased नहीं होनी चाहिए कि मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया और दूसरे वाले को का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया ही नहीं। तो ये बहुत रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बहुत बिल्कुल भी बायस नहीं होनी चाहिए, किसी एक पार्टी की तरफ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बताना चाहिए। सब एकदम बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट जैसा कि हमने कहा इंडिपेंडेंट मीडिया होगी तभी हमें बैलेंस रिपोर्ट मिल जाएगी। बट क्या आज मीडिया इंडिपेंडेंट है? तो आज मीडिया जो है बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। दे लार्जली डू नॉट प्रोवाइड सच बैलेंस रिपोर्ट। और ये बैलेंस रिपोर्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते, इसके दो रीजंस हैं। पहला है गवर्नमेंट कंट्रोल और दूसरा है क्लोज लिंक्स टू दीज बिजनेस हाउसेस। तो गवर्नमेंट कैसे मीडिया को कंट्रोल करती है वो अब हम पढ़ेंगे। प्लस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मास मीडिया को बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं टू रन इट्स चैनल, राइट? और ये पैसे कहाँ से आते हैं? व्हेन बिग इंडस्ट्रीज, बिग बिजनेस फर्म्स ओन दीज मीडिया चैनल्स। तो कैसे ये बिजनेस हाउसेस, बिजनेस फर्म्स मीडिया को बैलेंस रिपोर्ट देने से, रिपोर्टिंग करने से रोकती है, वो सब हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया। सो जब कोई गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़ चैनल को या कोई न्यूज़ आइटम को या कोई पर्टिकुलर मूवी का कोई सीन हो गया या कोई गाने के लिरिक्स हो गए उसको पब्लिक के साथ शेयर करने से रोकती है तो उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज आइटम, किसी न्यूज को टेलीकास्ट होने से रोकती है जब गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट न्यूज चैनल को कहती है कि ये न्यूज लोगों तक मत पहुंचाओ तब। या फिर कोई मूवी का ऐसा सीन है जब गवर्नमेंट कहती है कि ये सीन मूवी में नहीं रह सकता, इसको आप, इस सीन को मूवी से हटाओ, आप एडिट कर दो, आप कट कर दो इस सीन को। या फिर कोई सॉन्ग्स के ऐसे कुछ लिरिक्स हैं जो बहुत हर्टफुल हैं, अच्छे नहीं हैं, एंड गवर्नमेंट आस्क के लिरिक्स आप चेंज करो सॉन्ग के, देन दैट इज नोन एज सेंसरशिप। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री रही है 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी से, जब गवर्नमेंट फॉर्म प्रॉपर तरीके से जब गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी इलेक्शंस के थ्रू, तो ऐसे बहुत बार, ऐसे बहुत टाइम आए हैं, बहुत इंडियन आई एम रियली वेरी सॉरी, इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टाइम आए हैं वेयर गवर्नमेंट हैज सेंसर्ड द मीडिया। और ऐसा ही टाइम था इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी आई थी 1975 से 1977 का जो पीरियड था उसे हम इमरजेंसी पीरियड कहते हैं। एंड इस पीरियड में गवर्नमेंट ने पूरे मीडिया को, पूरे न्यूज़ चैनल्स को सेंसर कर दिया था, यानी कि उन्हें कह दिया था कि हम बताएंगे कि तुम्हें क्या न्यूज़ प्रिंट करवानी है, तुम्हें क्या न्यूज़ लोगों तक पहुँचानी है और क्या न्यूज़ तुम्हें लोगों तक नहीं पहुँचानी। सो दिस वे में गवर्नमेंट मीडिया को कंट्रोल करती है सही न्यूज़ बताने से। और ऐसा ही इमरजेंसी के टाइम पे हमें पता भी चलता है जब उस टाइम 1975 और 1977 तक जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी कैसे वो न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से रोकती थी। तो इसे हम कहते हैं सेंसरशिप। और सेंसरशिप के थ्रू ही गवर्नमेंट जो है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो मूवीज को, फिल्म्स को सेंसर करती है। दे स्टिल सी कि कौन से सीन्स मूवी के होने चाहिए, मूवी में कौन से सीन्स नहीं होने चाहिए, बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है मीडिया को इतना सेंसर नहीं करती है. दैट्स व्हाट रिटन इन योर बुक दैट टुडे व्हाइल गवर्नमेंट कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स इट डज नॉट रियली सेंसर मीडिया कवरेज. यानी कि जो न्यूज़ हम देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको गवर्नमेंट इतना सेंसर नहीं करती है, बट जो फिल्म्स हम देख रहे हैं, जो मूवीज हम देख रहे हैं, उसके जो सीन्स होते हैं वो सेंसर होते हैं. गवर्नमेंट उनको सेंसर करती है. और अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन मूवीज में होता है जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये सीन इस मूवी में नहीं होना चाहिए, देन दे कट दैट सीन, उस मूवी में से उस सीन को हटा देते हैं. सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट सेंसर फिल्म्स, बट टुडे दे डू नॉट सेंसर मीडिया चैनल्स एज सच. बात आती है बिजनेस हाउस की. तभी हमने देखा गवर्नमेंट कैसे मीडिया को कंट्रोल कर सकती है और करती है, बट अब हम देखेंगे कि ये जो बिजनेस फर्म्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो मीडिया हाउसेस को ओन करती है, तो हाउ डू दे स्टॉप दीज मीडिया चैनल्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग द बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन. आज जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं मोस्टली बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड कर सकते, यानी कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, जो इन मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं बेसिकली, तो क्या होता है ये बिजनेस हाउसेस भी मना करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में सिर्फ इन्हीं की स्टोरी बताओ, ये न्यूज़ मत बताओ, मे बी उनकी इमेज खुद की खराब हो सकती है. तो जैसे हमने देखा था कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मीडिया चैनल्स के ओनर्स होते हैं. हमने देखा था कि Network18 मीडिया के जो ओनर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं. अब ऐसा कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ होता है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में नहीं है, यानी कि कोई न्यूज़ है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर सकती है? दे कैन आस्क Network18 मीडिया कि हमारी जो अगेंस्ट न्यूज़ है उसको आप लोगों तक मत पहुंचाओ, उस न्यूज़ को आप टेलीकास्ट मत करो, सो दैट पीपल विल नॉट नो. तो इस तरह से बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया. एंड क्योंकि मीडिया को इतने सारे पैसे चाहिए होते हैं टू रन देयर मीडिया, एंड बिकॉज बिजनेस फर्म्स प्रोवाइड दीज मनी, एडवर्टीजमेंट से मनी आते हैं, तो मीडिया हाउस एक तरह से दे आर दे आर पैक्ड, वो बन जाते हैं. वो जहां से उनको पैसे आ रहे हैं वो उनके अगेंस्ट तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, तो इस कारण से हमें बैलेंस रिपोर्ट्स नहीं मिलती. सो मीडिया कंटिन्यूअसली नीड अ लॉट ऑफ मनी. इट हैज लिंक्स विद वेरियस एडवर्टीजमेंट कंपनीज, इट हैज लिंक विद वेरियस बिजनेस कंपनीज, बिजनेस इंडस्ट्रीज, विच बेसिकली मीन्स दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम to report against such business firms, business industries या advertising companies. I hope आपको ये क्लियर होगा कि बिजनेस हाउस मीडिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इस कारण से आज के टाइम पे मीडिया जो है बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस कंपनीज एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज. आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया को फ्रॉम प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, द बेस्ट इंफॉर्मेशन, एंड हाउ डज बिजनेस हाउसेस टेलीकास्ट दैट इंफॉर्मेशन, हाउ डज बिजनेस हाउसेस सेंसर द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचनी चाहिए बट पहुंच नहीं पाती है. मीडिया भी कभी कभी बायस्ड होती है, यानी कि किसी साइड पे वो झुक जाते हैं. अब मीडिया क्या करती है, वो हो सकता है कभी कभी एक पर्टिकुलर स्टोरी ही बताए. सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का ही एग्जांपल फिर से लेते हैं. तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को पहले कहा था, लेट्स से 1-2 साल पहले, कि हाँ आप हमारी सिटी में आ जाओ. फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी इंडस्ट्री को कहा कि आप जयपुर में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लो, हम सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बस इंडस्ट्री आके खोल लो. अब 2 साल बाद वो जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी, दे एक्चुअली कम टू राजस्थान एंड वो हेल्प मांगती है गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट मना कर देती है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और हम तो कोई हेल्प ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको जो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है आप खुद ही करो. अब ऐसे टाइम पे ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? या तो हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या टीवी चैनल से पता चलेगी कि ऐसा कुछ हो रहा है उस XYZ कंपनी और गवर्नमेंट के बीच. अब फॉर एग्जांपल जो न्यूज़ चैनल है वो सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको बता रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो ये जो न्यूज है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, एकदम मसालेदार बन जाएगी, है ना, मसाला सिजलिंग न्यूज बन जाएगी, अब ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट का ही पॉइंट ऑफ व्यू बताएं या सिर्फ हम इंडस्ट्री का ही पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, गवर्नमेंट का नहीं बताएं, ताकि एकदम मसालेदार एक नया मुद्दा खड़ा हो जाए। तो ऐसे केस में मीडिया क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बता रही है। तो मीडिया काफी बार ऐसी बायसनेस रखती है, ऐसा बायसेस रखती है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ही बताती है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई पब्लिक इशू है, कोई सेंसिटिव इशू है, और फॉर एग्जांपल ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो नदियों में बह रहा है, बट कैसे बह रहा है, इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से इस चीज की परमिशन ली थी, बट मीडिया क्या कर रही है, मीडिया सिर्फ ये हाईलाइट कर रही है कि उस इंडस्ट्री से इतना पॉल्यूशन निकल रहा है और नदियां खराब हो रही है, रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड, लेकिन जो है मीडिया ये नहीं बता रही कि उस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से परमिशन ली थी। बिना गवर्नमेंट की परमिशन में दे कैन नॉट जस्ट यू नो डिस्चार्ज देयर वेस्ट इन एनी ऑफ द रिवर्स। तो मीडिया जो है सिर्फ ये बता रही है कि रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, मीडिया ये नहीं बता रही कि गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्व है इस रिवर पॉल्यूशन में। तो कभी कभी लोग पब्लिक सपोर्ट के लिए मीडिया जो है किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ही बताती है जब उन्हें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस तरह से भी मीडिया जो है बायस्ड होती है, किसी एक पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की तरफ जब मीडिया झुकी भी होती है या किसी एक एस्पेक्ट को ही बताती है, सारे एस्पेक्ट्स को नहीं बताती, तब हम कहते हैं मीडिया बायस्ड है। देयर आर मीडिया बायसेस जो आज के टाइम पे भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली और कॉमनली दिख जाते हैं, विजिबल है दैट द मीडिया इज बायस्ड, या इस जगह पे मीडिया को जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना चाहिए था बट नहीं बताया। तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं दैट द मीडिया इज बायस्ड और वो बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो मैंने आपको ये बताया था थोड़े टाइम पहले कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया के थ्रू मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन से हमारे ओपिनियंस फॉर्म्ड होते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ अपने ओपिनियंस या थॉट प्रोसेसेस बना लेते हैं, किसी इंडस्ट्री के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में भी, रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में भी हम अपने थॉट प्रोसेसेस बना लेते हैं। तो मीडिया जो है हमारी को जो स्टोरीज प्रोवाइड करती है या क्या न्यूज़ प्रोवाइड करती है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ओपिनियंस सेट करने का। सो मीडिया बेसिकली शेप्स एंड इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, हमारी जो थॉट्स है उसको मीडिया ऑब्वियसली सीधा सीधा शेप करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ये रिलीजियस कम्युनिटी तो ऐसे ही करती है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो हर बार ऐसे ही करते हैं, वादे करते हैं और कभी उस प्रोमिसेस को पूरे ही नहीं करते। ये जो हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं दे आर लार्जली फॉर्म्ड बाय मीडिया। द काइंड ऑफ न्यूज वी रीड एवरी डे, द काइंड ऑफ न्यूज वी वॉच, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं बिकॉज मीडिया शेप्स आवर थॉट्स, इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, दे बेसिकली सेट द एजेंडा। यानी कि मीडिया के पास जो मीडिया चाहती है ना वो हो जाता है। अगर मीडिया चाहती है कि हमें इसकी इमेज जो है पब्लिक में बहुत अच्छी करनी है, तो वो एक एजेंडा हो गया कि ये एजेंडा बनाया कि ये जो पर्सन है इसकी इमेज हमें एकदम अच्छी, क्लीन, साफ सुथरी, एकदम पब्लिक पर्सन ऐसे वे में शो करनी है। बट अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई ग्रुप है ऐसा जिसकी मीडिया ने अगर सोच लिया कि इसकी इमेज यू नो हमें इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही बताना है इस इंसान का या इस इंडस्ट्री का, तो वो एक काइंड ऑफ एजेंडा हो गया। सो मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द न्यूज, क्या स्टोरीज पे फोकस करना है, स्टोरी के किस एस्पेक्ट पे फोकस करना है, क्या न्यूज वर्दी है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि इंडस्ट्रीज ने अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर दिया, जिसके कारण रिवर पॉल्यूटेड हो गया और उस पॉल्यूटेड रिवर से बहुत सारी डिजीजेस फैल गई। तो हमारे अंदर क्या होगा, उस इंडस्ट्री के लिए बहुत गुस्सा आएगा दैट हाउ कैन दे पॉल्यूट द रिवर, हाउ कैन दे डिस्चार्ज द वेस्ट मटेरियल इन रिवर्स। बट मीडिया ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दी थी कि ठीक है आप नदियों में अपना सारा वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर दो। तो दैट इज हाउ मीडिया सेट्स द एजेंडा। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी स्टोरी का जो है कौन सा एस्पेक्ट लोगों तक पहुंचाना है या क्या न्यूज़ वर्दी है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ होती है, बहुत सारी घटनाएं होती है जो देश विदेश हर जगह होती रहती हैं, बट वो सारी न्यूज़ तो हम तक नहीं पहुंचती, हमें कुछ लिमिटेड न्यूज़ ही मिलती है। तो कौन डिसाइड करता है, ये मीडिया चैनल्स ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ लोगों तक पहुँचानी है, कौन सी न्यूज़ लोगों तक नहीं पहुँचानी है। तो बेसिकली दे सेट द एजेंडा। तो इससे क्या होता है, थ्रू मीडिया वी हेयर अबाउट वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्किंग। हमें गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में बहुत सब कुछ पता चलता है। सो मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे दे सेट द एजेंडा। यानी कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, महाराष्ट्र में कुछ टाइम पहले मुंबई में एक फैशन शो हुआ था, एक बहुत बड़ा डिजाइनर था जिसने वो फैशन शो किया था। तो मीडिया ने जो है वो पूरा कवरेज किया था उस फैशन शो का, हर दिन का 3 दिन का फैशन शो था और मीडिया ने पूरे अच्छे तरीके से पूरा 3 दिन का फैशन शो कवर किया था। सेम टाइम पे मुंबई का जो स्लम एरिया है, वहाँ की जो झोपड़पट्टी थी, गवर्नमेंट उन स्लम्स को हटा रही थी, उनके घरों को, जो स्लम्स में रहते थे उन घरों को डिस्ट्रॉय कर रही थी, बट एक भी मीडिया चैनल ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया। तो हमें पता ही नहीं चला कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम भी कर रही है। तो इस वे में जो है मीडिया सेट्स द एजेंडा, दे चूज व्हाट टू फोकस एंड दे चूज व्हाट नॉट टू फोकस, एंड कहीं ना कहीं हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही मिलती है। तो हमें, हमारा जो रोल बनता है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि ये जो हमारे पास जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस मीडिया के थ्रू आ रही है, जो मीडिया कह रही है कि एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये जो इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू हम तक आ रही है न्यूज़ के थ्रू, ये काफ़ी बार कंप्लीट नहीं होती, ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं होती, इनफैक्ट ये वन साइडेड रिपोर्ट होती है जहाँ पे जो न्यूज़ है किसी एक पार्टी या किसी एक बिजनेस फर्म के फेवर में होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हमें आज के टाइम पे बन गया है ये जानना और ये समझना कि जो भी न्यूज़ हम तक आ रही है वो बायस्ड है, वो कंप्लीट एकदम बैलेंस रिपोर्ट नहीं है, हर किसी के वहाँ पे पर्सपेक्टिव नहीं बताए गए हैं, वो वन साइडेड है, किसी एक पार्टी के फेवर में है या किसी एक बिजनेस फर्म के फेवर में है या किसी एक ग्रुप के फेवर में है, एंड इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या टीवी चैनल पे देखते हो या कहीं से भी कोई भी और न्यूज़ पढ़ते हो, आज इतने सारे मीडिया के चैनल्स हैं, इतने सारी मीडियम्स हैं जहाँ से हमें न्यूज़ पता चलती है, आपको इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी न्यूज़ पता चल सकती है। तो एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जितनी भी न्यूज़ हमें मिल रही है ये मोस्टली वन साइडेड होती हैं, ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं होती हैं। कभी कभी जो मीडिया है वो सही रिपोर्टिंग भी करती है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम गलत ही रिपोर्ट देती है, कभी कभी ऐसे इश्यूज को भी मीडिया वाले ऊपर उठाते हैं जो हमें अदरवाइज पता ही नहीं चलते। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हमें मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू पता चला था कि जो भी कोला होती है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। पेस्टिसाइड्स यानी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इन कोला में ये सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, उसमें ये पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब अगर मीडिया ये रिपोर्ट नहीं करती, मीडिया ये इस इशू को पब्लिश नहीं करती न्यूज़पेपर में, तो हमें तो पता ही नहीं चल सकता था कि कोला में पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स होते हैं। So media published these reports, जिनसे हमें पता चला that there are high levels of pesticides, और तब ये बात पता चली that these food standards, quality standards, they need to be regulated every year, they need to be monitored कि जो हम खाने पीने की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स तो नहीं है ज़्यादा, whether it is healthy or not। तो मीडिया ने ये बहुत अच्छा काम किया था, इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है, बिकॉज अगर मीडिया ये कवर नहीं करती कि इनमें इतना पेस्टिसाइड्स होता है तो वी वुड हैव कंटिन्यूअसली कंज्यूम दिस कोल्ड ड्रिंक्स। हमें पता ही नहीं चलता हाउ हार्मफुल दे आर फॉर आवर हेल्थ एंड हाउ हार्मफुल दे आर फॉर आवर बॉडीज, कितने उसके साइड इफेक्ट्स होंगे केमिकल्स के, पेस्टिसाइड्स के, हमें पता ही नहीं चलता अगर मीडिया इस इशू को हाईलाइट नहीं करती, लोगों तक नहीं पहुंचाती कि कोला जो है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा हाई लेवल में यूज होते हैं। बट ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जहां पे पता चलता है कि मीडिया जो है जो न्यूज को हाईलाइट करना चाहिए उस न्यूज को हाईलाइट ही नहीं कर रही है। ये क्या एग्जाम्पल है? मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट टू आवर लाइफ। हमारी लाइफ से बहुत जरूरी है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मीडिया कवर ही नहीं करती है। ऐसा एक एग्जाम्पल है, जो पानी हम पीते हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत जगहों पे नहीं आता है। उन पानी में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, इट इज नॉट रियली वेरी क्लीन, एंड जब हम ये पानी पीते हैं तो हमारे को बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं बिकॉज दैट वाटर इज नॉट रियली सेफ, इट इज अनक्लीन, इट इज अनसेफ, एंड हर साल इतने सारे लोग इन वाटर बॉर्न डिजीजेस से मरते हैं। ये सब हमने हाउ द गवर्नमेंट्स रोल इन हेल्थ उस चैप्टर में, चैप्टर 2 जो था उसमें भी पढ़ा था दैट हाउ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता एंड दे सफर फ्रॉम वेरियस वाटर डिजीजेस। टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस से भी लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, ट्यूबरक्लोसिस सॉरी इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, वॉर्म्स हो जाता है, ये सब पानी से रिलेटेड डिजीजेज हैं। और हर साल लोग इसी जो गंदा पानी पी के हर साल लोग इतने सारे लोग मर जाते हैं, बट मीडिया इस न्यूज़ को कवर ही नहीं कर रहा। ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि जो पानी हम पी रहे हैं वही सेफ नहीं है और कितनी सारी डिजीजेस हो सकती हैं, बट मीडिया इसको कवर ही नहीं करता। कभी कभी मीडिया सही इश्यूज को हाईलाइट करता है, कवर करता है, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, और कभी कभी कुछ चीज़ों को वो हाईलाइट नहीं करते हैं। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ देयर एजेंडा कि कौन सी न्यूज़ उनको फोकस करनी है, कौन सी न्यूज़ उनको फोकस नहीं करनी है। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ देयर एजेंडा बिकॉज दे ओनली डिसाइड व्हाट न्यूज़ नीड्स टू बी पब्लिश्ड। अब ऐसे ही इसी प्रॉब्लम के कारण एक जो मीडिया डेवलप हुआ उसे कहते हैं लोकल मीडिया। तो क्या हुआ, ये जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया चैनल्स हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज को कवर करना ज़रूरी नहीं समझते। जैसा कि ड्रिंकिंग वाटर जो इतना बड़ा इशू है जो सेफ नहीं है, बट मीडिया उसको कवर ही नहीं कर रही है। सो मीडिया इज यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन कवरिंग सच स्मॉल इशूज, या जो ऑर्डिनरी लाइफ से, हमारे जो लाइफ से जुड़े हुए, डेली लाइफ से जुड़े हुए जो इशूज होते हैं उसको मीडिया कवर ही नहीं करती है। तो इसी कारण से जो लोकल ग्रुप्स होते हैं उन्होंने खुद का मीडिया स्टार्ट किया, उसको कहते हैं लोकल मीडिया। यानी कि उनके शहर में जो आसपास की जो न्यूज़ है जो उनके अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये जितनी बड़ी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के फॉर्म्स हैं, उन न्यूज़पेपर्स और उन न्यूज़ चैनल्स ने इन न्यूज़ को कवर ही नहीं किया क्योंकि इन न्यूज़ चैनल्स को लगा अरे ये तो बहुत ही छोटे से मुद्दे हैं, इनको क्या पेपर में बताएं या इनको क्या न्यूज़ चैनल्स पे दिखाएं। बट ये जो लोकल ग्रुप्स थे इन्होंने इस कारण से खुद का एक मीडिया क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं लोकल मीडिया, जहाँ पे ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो एक्चुअली में काफ़ी बड़े होते हैं उन सबको रिपोर्ट करने लगे। तो ऐसा ही लोकल मीडिया का एक एग्जाम्पल है, एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल जो है खबर लहरिया। खबर लहरिया हर 2 वीक में, यानी कि हर फोर्टनाइटली का मतलब होता है हर 2 वीक में ये न्यूज़पेपर आता है, जहाँ पे जो लोकल न्यूज़ होती है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश का ये न्यूज़पेपर है, तो जितनी भी लोकल न्यूज़ होती है वो सब इस न्यूज़पेपर में आती है। एंड दिस न्यूज़पेपर दैट इज खबर लहरिया, इट इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन्स एंड ये बुंदेली लैंग्वेज में होता है एंड चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये न्यूज़पेपर बहुत फेमस है। ये 8 पन्नों का ये न्यूज़पेपर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 8 पन्नों का ये न्यूज़पेपर होता है जहाँ पे दलित इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारी जो टीवी चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं वो ज़्यादा इसको रिपोर्ट नहीं करती, ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं बताती। तो ये जो लोकल मीडिया, ये जो लोकल न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, इसमें दलित इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है। वायलेंस, अगर विमेन के अगेंस्ट कोई वायलेंस हुई है दैट इज रिपोर्टेड, या फिर कोई पॉलिटिकल करप्शन है देन दैट इज रिपोर्टेड इन दिस न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर किन लोगों तक पहुंचता है? सो दिस न्यूज़पेपर रीचेस टू फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, इट रीचेस स्कूल टीचर्स, इट रीचेस टू वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि वो औरतें जिन्होंने एकदम नया नया सीखा है कि कैसे लिखते और पढ़ते हैं। तो ये जो लोग हैं वहाँ तक ये खबर लहरिया न्यूज़पेपर पहुँचता है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल मीडिया। और ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स, बिकॉज लोकल मीडिया पे भी यूजुअली काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर लोकल मीडिया पे क्वेश्चन आए तो लोकल मीडिया क्यों स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इट डज नॉट कवर स्मॉल इश्यूज एंड दैट्स वाई सेवरल लोकल ग्रुप स्टार्टेड देयर ओन मीडिया, जिसको हम कहते हैं लोकल मीडिया। फिर आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं खबर लहरिया, दैट हाउ इट कवर्स the local news of Chitrakoot district, how it is run by 8 Dalit women and how it reports Dalit issues, violence against women और political corruptions, ये सब चीज़ें आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है लोकल मीडिया में। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये इस पूरी स्लाइड पे, स्क्रीन पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। उस केस में आपको ये भी बताना होगा कि ये न्यूज़पेपर किन लोगों तक पहुंचता है, कौन लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। सो आई होप लोकल मीडिया भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है अगर कोई सोसाइटी के लिए मैसेज है, यानी कि ऐसा मैसेज जिसका कोई सोशल सिग्निफिकेंस है, जो सोसाइटी उससे इम्पैक्ट होगी। और जब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट एजेंसीज निकालती हैं तो उनको हम कहते हैं सोशल एडवर्टीजमेंट। मतलब नेम से ही समझ आ रहा है सोशल, यानी कि सोसाइटी के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए यूजफुल होगा। अगर कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा है जहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट जिससे सबका भला होगा, सोसाइटी का भला होगा, और वो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एजेंसी निकाल रही है तो उनको हम कहते हैं सोशल एडवर्टीजमेंट। ये एग्जांपल जो आपको एक फोटोग्राफ दिख रही है ये आपकी बुक से है एंड इट इज बेसिकली नदन रेलवेज का ये एडवर्टीजमेंट है। अब आप कभी ट्रैवल करते होंगे तो ऐसी रेलवे ट्रैक्स आती होंगी जहाँ पे जो है बैरियर्स जो है, जब कोई ट्रेन आने वाली होती है तो बैरियर्स या तो कोई अपने आप लग जाते हैं या फिर कुछ ऐसी भी रेलवे ट्रैक्स, रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं जहाँ पे ऐसे बैरियर्स नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे नदन रेलवेज ने ये ऐड निकाला कि आपको जो है रेलवे क्रॉसिंग पे एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। आप जब भी किसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करो तो आपकी व्हीकल की जो स्पीड है वो बहुत कम होनी चाहिए, प्लस आपको दोनों साइड देखना चाहिए कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। सो इस एडवर्टीजमेंट से दे वांटेड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस दैट पीपल नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस, दे नीड टू बी वेरी कॉन्शियस वाइल क्रॉसिंग एनी रेलवे ट्रैक्स, क्योंकि अगर वो ढंग से रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस नहीं करेंगे और बाय चांस ट्रेन आ रही हो तो फिर आपको पता है क्या होगा, राइट। तो ये एक सोशल एडवर्टीजमेंट था जिससे रेलवे ने ये बताने की कोशिश करी दैट क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेना चाहिए। दे शुड स्टॉप द व्हीकल, दे शुड स्लो डाउन देयर व्हीकल, दे शुड सी ऑन बोथ द साइड्स वेदर द ट्रेन इज कमिंग और नॉट एंड दे शुड ऑल्सो लिसन केयरफुली टू द ट्रेन सिग्नल, क्योंकि ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आती है एंड अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है। तो आई होप सोशल एडवर्टीजमेंट भी आपको बहुत क्लियर होगा एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा एंड अगर आपको नहीं समझ आया तो आप स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की, जो स्पेशल क्लासेस है जो अनअकैडमी के ऐप पे चलती हैं वो अटेंड कर सकते हैं एंड दीज स्पेशल क्लासेस आर टोटली फ्री। तो आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है एंड इन क्लासेस में एक्चुअली आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो है जो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहाँ पे मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है और ये यूट्यूब पे आप चैनल देख रहे हो। बट अगर आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है तो आप अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी के ऐप पे जो फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए ऐसी क्लासेस चाहिए या जो भी चैप्टर आपको समझना है वो आप अनअकैडमी के ऐप पे सारी फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, यानी कि मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ। इनफैक्ट इस चैप्टर के दौरान आपको कोई डाउट रहा हो तो आप वो डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एजुकेटर से। ये तो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ना तो आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं ना आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बट अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स हैं, आपको इंटरैक्ट करना है एजुकेटर से, तो आप वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में ये सब कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पेशल क्लासेस में क्विज वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर करना होता है। तो इट्स अ वेरी फन वे, वेरी गुड वे टू असेस योर नॉलेज कि आपको कितना समझ आ रहा है। एंड बेस्ट पार्ट इज ये सब फ्री है, यानी कि आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दे आर टोटली फ्री। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है एंड देयर यू कैन टेक एनी स्पेशल क्लास रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट और एनी कोर्स। Now moving ahead to Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। सो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप Unacademy का लेते हैं तो आपको टॉप एजुकेटर्स, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपके कोर्स का मिलेगा। एक बार अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं। आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। कब? जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस वहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आपको एक फ्रेंड जैसे एक मेंटोर भी मिलेगा हु विल क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड यू नो हु विल आल्सो गाइड यू हाउ यू शुड स्टडी, हाउ यू शुड इम्प्रूव योर रिजल्ट, हाउ यू शुड प्रोग्रेस। तो पूरे अच्छे से आपको गाइड करेंगे। प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे होती है, ताकि आपके जो है रिजल्ट्स आपको विद इन अ वीक, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में भी कहा था, आपको विद इन अ वीक अपने सारे रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे जो है लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है, यानी कि बैक टू बैक हर दिन टेस्ट होते रहेंगे और वो भी लाइव। जैसे आप अपने स्कूल जाके एग्जाम देते हो ना, एकदम वैसी वाली फीलिंग होती है। बट द बिगेस्ट डिफरेंस एंड बिगेस्ट एडवांटेजेस, आप अपने घर से बैठ के ये सारे टेस्ट दे सकते हैं, ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सारे कोर्स अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे सिलेबस जो है बहुत अच्छे से, बहुत एग्जॉस्टिव वे में कवर किया जाता है। सो दीज आर All the benefits of Unacademy Plus subscription। benefits ही benefits है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर Unacademy का Plus subscription चाहिए तो ये प्राइस और पैकेज है। आप 6 months का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप 12 months, 15 months, 18 months या 24 months का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं और इन्हीं प्राइस में अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड, दैट इज PJAI10, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप अपने स्क्रीन के एकदम एक्सट्रीम साइड पे जो मोबाइल फोन है वहां पे देख सकते हैं कि 10% ऑफ होने के बाद जो प्राइस है कितने कम हो जाते हैं। सो आई होप आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। अनअकैडमी आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए, आपके बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो आप तो ऐसे प्लस सब्सक्रिप्शन ले ही सकते हैं। अब अगर आपको थोड़े से और बेनिफिट्स चाहिए तो आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़े और बेनिफिट्स ज़्यादा है। तो वो बेनिफिट्स क्या है? आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो मेंटर वो सिर्फ आपको ही गाइडेंस देगा, वो एक कलेक्टिव गाइडेंस नहीं देगा। आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एग्जाम्स कोर्स को। एक 1-on-1, एक फ्रेंड की तरह आपको एक गाइडेंस मिलेगी। प्लस यहाँ पे लाइव डाउट सेशंस होते हैं। तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पे तो जो है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे, यानी कि पूरे वीक में 1 या 2 बार डाउट सेशंस रख लिए। बट यहाँ पे तो आप लाइव अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस अनअकैडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स भी देगा, दैट थ्रू आउट द वीक हाउ डिड यू परफॉर्म, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, हाउ कैन यू प्रोग्रेस, वो सब उसकी एक वीकली रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। प्लस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था देयर विल बी अ पेरेंट एंड एजुकेटर कनेक्ट, तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तब वो आपको ये फीचर मिलता है वेयर द पेरेंट्स कैन ऑल्सो आस्क देयर क्वेश्चंस थ्रू द एजुकेटर्स एंड द एजुकेटर्स विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज एंड डाउट्स ऑफ द पेरेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। इतने बेनिफिट्स आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, सिर्फ अनअकैडमी पे मिलेंगे। अनअकैडमी आपको एक स्टडी प्लानर भी देगा ताकि आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अच्छे से इफेक्टिव वे में, ताकि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। प्लस आपको मंथली बेसिस पे रिव्यूज भी मिलेंगे अपने स्टडी, कितना आपने सिलेबस कवर किया, कैसे आपको करना चाहिए, उस सब पे रिव्यूज मिलेंगे। अब इतनी मेहनत और कोई करे ना करे, अनअकैडमी तो कर रहा है। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको अगेन अलग अलग पैकेजेस हैं, आप प्राइस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं, जो पैकेज सूट करता हो, 6 मंथ्स का पैकेज सूट करता हो या 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, जो भी पैकेज आपको सूट करता हो आप वो ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर द कोर्स यू वांट टू स्टडी। प्लस अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए इन पैकेजेस पे इस प्राइस पे, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा एंड कोड इज ऑलरेडी मेंशन्ड एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपको तो जो है अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए या आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक चीज जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो ये है कि योर रिजल्ट विल बी इम्प्रूव। अनअकैडमी आप पे पूरी मेहनत करेगा कि आपके रिजल्ट जो है इतने अच्छे आ जाए कि हो सकता है आप क्लास में ही टॉप कर लें या पूरे स्कूल में टॉप कर लें। बिकॉज at Unacademy the best educators will teach you, you get to learn from the best and you learn the best and आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो what are you waiting for? Please take any of the subscription as per your convenience, कोई भी पैकेज लीजिए और मेरा कोड यूज करना मत भूलेगा बिकॉज उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। So that brings towards the end of this video. Thank you so much for watching this video. But before going anywhere, please like this video, share this video and subscribe to the Unacademy channel. Hit the bell icon because if you want the latest updates from the Unacademy channel या फिर आपको if you do not want to miss out on any updates, any notification from the Unacademy platform, then you have to hit the bell icon and subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video. Together you and we can crack any exam. So let's crack it. Thank you so much for watching this video.